में गांव वापस लौटने का इंतजार कर रहे प्रवासी मजदूरों को बेकाबू वो हो गए। वहां के शेल्टर होम में रुके मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया और अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से अपने गांव की ओर निकले हैं, जिन्हें सहारनपुर के एक शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन आज सुबह इनका सब्र टूट गया और बड़ी संख्या में मजदूर शेल्टर होम से निकलकर अंबाला हाईवे पर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और मजदूरों को समझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन काफी देर तक मजदूरों का जो हंगामा है वो ऐसे ही जारी रहा। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, इन मजदूरों को क्या भरोसा दिया गया है, कब तक इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जा पाएगा? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिन्हें शेल्टर होम में रखा गया था, जो बाहर के अलग अलग राज्यों से वहां पर रखे गए थे, उनका 14 दिन का जब क्वारंटीन का समय पूरा होगा तो भेजा जाएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं पूरा हुआ था कुछ लोगों का, जिसकी वजह से वो लोग जाना चाहते थे पहले ही। अब जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से, जो डीएम सहारनपुर हैं, जो वहाँ के बड़े अफसर हैं, उन्होंने कहा है कि आपको परिवहन बसों के से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा, आप जो है सब्र रखिए। और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि कहीं भी कोई पैदल नहीं चलेगा और किसी अपने साधन से नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट इसकी जो है व्यवस्था कर रही है। और आज अगर कमोबेश देखें तो चाहे झांसी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कानपुर हो, जहाँ भी कहीं भी बॉर्डर पर अगर कोई मजदूर निकला या शेल्टर होम में है जिसका समय क्वारंटीन का पूरा हो चुका, उन्हें भी सरकार बसें लगाकर उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, और यही बात सहारनपुर में भी कही गई है।